नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी में और मैं हूं ऋतुबिश। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कई राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो अगर कलराज मिश्र की बात करें, उन्हें राजस्थान का प्रभार यहां पर सौंपा गया है, राज्यपाल यहां पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के जो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उनको यहां पर नई जिम्मेदारी देते हुए महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बंडारू दत्तात्रेय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल बनाए गए हैं। इसके साथ ही तमिलसाई सुंदर राजन को तेलंगाना की नई जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। तो जिस तरह से आपको बता दें कि ये नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, वहां पर जो पहले राज्यपाल थे उनका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया और इसी के बाद अब नए राज्यपालों की यहां पर नियुक्ति अलग अलग राज्यों में की गई है, जिसमें केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके साथ तेलंगाना शामिल है। राजस्थान की भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान में कलराज मिश्र को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल बने हैं। वहीं अगर तेलंगाना की हम जैसे बात कर ले, तेलंगाना में यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलसाई सुंदर राजन, इनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात भी की जाए तो महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। तो कुछ अगर राज्यों की बात करें तो वहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, जैसा कि महाराष्ट्र का हम जिक्र कर रहे थे। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो ये जो नियुक्तियां हैं कई मायनों में यहाँ पर अहम साबित हो जाती है। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।